हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल 021। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शंस के सिंप्लीफिकेशन को। अब फ्रैक्शंस का सिंप्लीफिकेशन क्यों ज़रूरी है पहले ये जान लेते हैं। तो देखो, जब भी हम फ्रैक्शंस की प्रॉब्लम को डील करते हैं तो कई बार ही ऐसा होता है कि बड़े बड़े फ्रैक्शंस हमारे सामने आ जाते हैं। तो जितना बड़ा फ्रैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हमारी कैलकुलेशन सिंपल रहे इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को सिंपलीफाई कर लेते हैं, जिससे कि हमारे जो बड़े फ्रैक्शंस थे वो छोटे हो जाएं। तो ओवरऑल हम क्या करते हैं कि सिंपलीफिकेशन की ज़रूरत इसलिए है जिससे हमारी बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम शॉर्ट एंड कंसाइज हो जाएं और सिंपल टू कैलकुलेशन हो जाएं। ओके, तो सिंपलीफाई करने के दो तरीके हैं मेनली। पहला है डिवीजन मेथड और दूसरा है कटपीट वाला मेथड। तो देखो, डिवीजन वाला मेथड है वो है तो इम्पॉर्टेंट, पर उसको ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है। और सिंपलीफाई करते समय ऐसा भी नहीं है कि आपको यही मेथड यूज़ करना है, कटपीट वाला नहीं करना है, आपकी जो इच्छा है वो कर सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट है वो दोनों हैं, पर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कटपीट वाला मेथड। ओके, अब कटपीट वाला मेथड इसका नाम क्यों रखा मैंने? अब कटपीट वाला मेथड के पीछे नाम ये है कि हम जनरली उसमें काट रहे होते हैं नंबर को एक दूसरे से, ठीक है। अब काट रहे हैं इन द सेंस चाकू से नहीं काट रहे हैं, वो अपन जब मेथड सीख रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो अपन दोनों मेथड देखेंगे और हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं। आप भी यूज़ करोगे इसी को और मैं भी इसी को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो पहले देखते हैं डिवीजन मेथड को। ओके, तो डिवीजन मेथड की जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है देखते हैं। इन दिस मेथड वी डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई SCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब हम इस मेथड में क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होगा फ्रैक्शन का और डिनोमिनेटर होगा, उन दोनों को ही, इन दोनों का जो SCF आएगा उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आपको अगर SCF नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं, SCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब इसको कैसे निकालते हैं, क्या मेथड है, क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो SCF वाली वीडियो में मैंने कवर कर रखा है ऑलरेडी आपके लिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप आई बटन पे वीडियो की लिंक से जा सकते हो, उस वीडियो पे आप देख लेना। पर अभी आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिटेल में पढ़ना हो तो ही जाना। यहाँ पर मैंने SCF निकाल के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी रहते हो और अभी प्रॉब्लम्स को देखते हो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इसकी सिंप्लीफिकेशन की। तो डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। पहला हमारा एग्जांपल जो है 48/14, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। ये भी 48/14 एक बड़ा सा फ्रैक्शन है, तो क्या ये सिंप्लीफाई हो भी पाता है, देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, SCF निकालेंगे इन दोनों नंबर का, 48 और 14 का, फिर इन दोनों को ही डिवाइड कर देंगे। यही कहता है ना डिवीजन मेथड, ठीक है। तो 48 के सारे फैक्टर निकाल लो भाई, 48 के सारे फैक्टर निकाले, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, इतने सारे फैक्टर सारे लिख दिए। सिमिलरली 14 के सारे फैक्टर लिख लिए। अब हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यही होती है ना SCF की डेफिनेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो यार, इसमें और इसमें, मतलब दोनों के 48 और 14 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है। और देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, पहले तो ये देखो, 1 और 2 है कॉमन फैक्टर, पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा वाला वो है 2। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि SCF ऑफ 14 एंड 48 इज 2। ओके, नाउ वी डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर SCF, मतलब अब हम डिवाइड करेंगे दोनों को। तो 48 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, 14 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 24, ये आ गया 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सिंपल था। अब देखते हैं यार दूसरा एग्जाम्पल, 120/80 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे SCF निकालने का मैंने दूसरा तरीका समझा एक तरीके से, ठीक है। तो ये वाला तरीका भी SCF निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं कि भाई 120 को ऐसे लिखते हैं, फिर डिवाइड करते जाते हैं जिससे डिवाइड होता जाता है। तो देखो 120 को मैंने 2 से किया, फिर 60, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से हो रहा था तो 3 से किया, फिर 5 से, ऐसे करके। सिमिलरली 80 को डिवाइड कर दिया। ये तरीका आपने सीखा होगा, अगर आपको SCF निकालना आता है, तो नहीं आता है तो आपको पता है वीडियो देखनी है SCF की, वहाँ पर ये चीज़ बताइए। तो अब क्या करेंगे, इसमें ये सारे फैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं क्योंकि इनके बराबर ही हमारे ये 120 होगा। सिमिलरली 80 के बराबर ये सारे फैक्टर जो थे इनको लिख लिया। अब हम देखेंगे यार कि इसमें कॉमन क्या क्या फैक्टर है। तो कॉमन देखो 2, 2, 2, मतलब 3 तो 2 कॉमन है और एक 5 कॉमन है और 1 कॉमन। तो मैंने सब लिख लिए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 120 एंड 80, ये हैं। ओके,
तो SCF क्या होगा? अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है, तो यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है? इनको मल्टीप्लाई कर दो जो कॉमन है, तो ये थे 2, 2, 2, 5 एंड 1, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, 40 से इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दो, तो 40 से डिवाइड किया तो ये 3 आ गया और ये 2 आ गया, तो मतलब जो 120/80 था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 3/2, तो ये 3/2 में सिंप्लीफाई होके आ गया। ओके, हमारी प्रॉब्लम खत्म। अब आप लोग एक चीज अगर आप एनालाइज कर पा रहे होगे तो देखो इसमें कितना ज्यादा झंझट है डिवीजन मेथड में। सबसे पहले क्या करो यार, SCF निकालो, SCF निकालो, उसके बाद डिवाइड करो, फिर आपका आता है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसी झंझट से बचने के लिए ना हमने दूसरा मेथड अपनाया है, कटपिट वाला मेथड, तो इसको देखेंगे, लेकिन पहले आप एग्जाम्पल 3 देखो डिवीजन मेथड से। तो एग्जाम्पल 3 क्या है, 14/5 है ना, तो इसमें भी हमने क्या करा, 14 के सारे फैक्टर लिख दिए, 2, 7, 14, 1, और फैक्टर ऑफ 5 क्या है, 5 और 1, तो अब इसमें कॉमन क्या है, एक ही कॉमन है 1, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1, तो 1 से डिवाइड कर दो तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक नोट समझो आप, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया जिससे आपको एक चीज बता सकूं, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, देन देयर SCF इज 1। तो पहली चीज तो आप ये सीखो कि जब भी किन्हीं दो नंबर के बीच अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 है, तो उनका SCF भी 1 होगा। ओके, एंड हेंस दे कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो जब भी आपके पास ऐसे नंबर हों जिनके बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो, तो वो सिंप्लीफाई नहीं होंगे, मतलब वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रखे हैं। अब ऐसे कौन से नंबर होते हैं ये बताओ मेरे को जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो, तो आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ, वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, आपस में प्राइम होंगे, मतलब को प्राइम नंबर होंगे। अब यहाँ पे 14 और 5 के लिए आप बोलोगे सर 5 तो प्राइम है पर 14 नहीं है, तो को प्राइम तो है ना दोनों, इसीलिए उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी और डिवीजन मेथड क्लियर हो गया होगा। डिवीजन मेथड में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले SCF निकाल रहे हैं, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं, बस, फिर जो भी डिवाइड होने के बाद आएगा वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। ओके, अब देखते हैं यार दूसरा मेथड, कटपिट वाला मेथड क्या है, यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यही इंपॉर्टेंट है, आपको यही यूज करना, ठीक है। तो जो मेन पार्ट है वीडियो का वो ये है, मतलब कटपिट वाला मेथड, वो भी इंपॉर्टेंट था पर मेन ये है। तो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इन दिस मेथड वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इस मेथड में भी हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, बट किससे, बाय दोज नंबर्स विच कैन डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पे कहानी चेंज हो गई, वहां पे क्या कर रहे थे कि इनके SCF से डिवाइड कर रहे थे, पर यहाँ पे SCF से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, बस शर्त ये है कि वो दोनों नंबर को डिवाइड करे, मतलब न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहा हो साथ साथ डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा हो। तो इसका सोल्यूशन देखो, 48/14, यही है ना अपना फ्रैक्शन, तो देखो 48 किससे डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले अपन डिवाइड चेक करते हैं, तो 2 से देखा मैंने भी, तो 2 से देखा तो 2 से हो रहा था, हाँ ये भी हो, 4 8 है, लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाता है, इसमें लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है 2 से कर दो, तो 2 2 4 एंड 2 4 8, तो ये 24 आ गया और ये 7 आ गया। तो अब देखो अब क्या किसी नंबर से डिवाइड हो, 2 से तो नहीं होंगे, ये हो जाएगा 2 से लेकिन ये नहीं होगा, तो 2 से नहीं, 3 से ये हो जाएगा ये नहीं होगा, 7 से ही होगा पर ये 7 से नहीं होगा, तो मतलब ये अब क्या हुआ, को प्राइम्स बचे हमारे पास एक तरीके से, तो हमारा ये सिंपलीफाइड फॉर्म में हमारा 24/7 हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारे डिवीजन मेथड से भी आ रहा था, ठीक है 24/7, ठीक है, तो वही आ गया, मतलब हम सही है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 2, 120/80, तो 120/80 में हमने क्या करा, 0 से 0 को काट दिया। अब समझ में आया इसको कटपिट वाला मेथड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम काट देते हैं ऐसे करके नंबर, सिंपल चीज ये है। तो 120/80 लिखा था तो मैंने 0 से 0 काट दिया, अब ये 0 से 0 कैसे कट गया, अगर आपको इसमें डाउट है तो देखो हम 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 12 × 10 और 80 को लिख सकते हैं 8 × 10, तो अब तो 10 डिवाइड में है इस 10 की, ये 10 डिवाइड में है, तो 10 × 10 खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए हम ऐसे काट देते हैं इनको, तो हमारा 0 से 0 कट गया, अब बचा 12/8, तो 12/8 लिख लिया। अब क्या ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, हो रहे हैं, तो हमने 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, फिर 4 आया, अब ये दोनों भी और डिवाइड हो रहे हैं क्या, हाँ हो रहे हैं, 2 से हो जाएंगे, तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो अब ये फर्दर डिवाइड होंगे नहीं, तो हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 120/80 का वो 3/2 आ गया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। एग्जाम्पल 3 देखो, 14/5, तो ये तो हमने अभी देखा था कि ये तो को प्राइम्स हैं, ठीक है, तो इनमें तो कुछ होने से रहा, तो 14 और 5 में कुछ कॉमन ही नहीं, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इनको डिवाइड करे एक्सेप्ट 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई मतलब तो है नहीं, तो 14/5
ही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब ये खुद ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। तो यार कंसेप्ट के मामले में आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमने दोनों मेथड देखे, सिंप्लीफिकेशन के डिवीजन मेथड और कटपीट वाला मेथड। आपको ये चीज़ भी इस वीडियो से क्लियर हो गई होगी कि कटपीट वाला मेथड ज़्यादा इफ़िशियंट, ज़्यादा इजी क्यों है, क्योंकि इसमें ना ही तो फैक्टर्स निकालने का झंझट है, ना SCF निकालने का झंझट है। सीधा का सीधा नंबर्स को देखो, ये चीज़ चेक करो कि किस नंबर से दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, और सिंपली डिवाइड करते जाओ। बस एक चीज़ है कि आपको ये पता करने के लिए, यानी कि दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड करेंगे, डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, वरना आप कमेंट में बताना तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो यार चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।